सामाजिक समरसता परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का नौगौर पहुंचने पर विप्र फाउंडेशन के द्वारा शहर के परशुराम सर्कल पर जोरदार स्वागत सत्कार हुआ। यात्रा का मुख्य उद्देश्य धर्मावलंबियों को जागृत करने एवं सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए ये यात्रा संपूर्ण देश भर में चल रही है। ब्राह्मण समाज के अनेक पदाधिकारियों, महिलाओं आदि ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के साथ में प्रवास पर आए चिरंजीवी संत रामनारायण दास महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में परशुराम कुंड तीर्थ क्षेत्र का कायाकल्प संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। यात्रा का संयोजन विप्र फाउंडेशन राजस्थान प्रदेश के प्रभारी कपिल चोटिया कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा संपूर्ण राजस्थान में भ्रमण करेगी और 13 तारीख को छोटी काशी के नाम से विख्यात रतनगढ़ में रथ यात्रा का आगमन होगा। संत समाज के नागरिकों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप लोग पधारे हैं, ये ब्राह्मण समाज के लिए यात्रा लेके आप निकल रहे हैं, संत समाज आपका आभार प्रकट करता है, धन्यवाद। आप श्री गोजरा जी से आग्रह करो की मूर्ति लगाई जा रही है, उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 करोड़ रुपए की राशि इस मूर्ति के लिए दी है। सबसे बड़ी बात, 50 करोड़ रुपए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने दिए, और सबसे बड़ा जो विप्र समाज विप्र फाउंडेशन को जो मौका मिला, ये मूर्ति लगाने का मौका विप्र फाउंडेशन को मिला, ये अपने लिए विप्र समाज के लिए बहुत ही बड़ा एक सौभाग्य की बात है। मैं सभी से आपसे निवेदन करूंगा, इस रथ यात्रा का मेन जो लक्ष्य है वो 8 जनवरी 2023 को जयपुर में एक जो भव्य विप्र कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख विप्र समाज एकत्रित होगा, और इस रथ यात्रा के द्वारा पीले चावल हम आप लोगों तक वितरित करते आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर 8 जनवरी को बधाएं और इस विप्लव का भव्य इसको बनाने में प्रयास करें। दूसरा मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि जो ये जो अष्टधातु की मूर्ति वहां अरुणाचल प्रदेश में लग रही है, उस मूर्ति के लिए हर विप्र समाज हर विप्र के एक छोटी से छोटी एक आहुति होनी चाहिए। अपन यज्ञ में आहुत करते हैं उसी तरह एक छोटी से छोटी आहुति।